हार्दिक पांड्या ने जो टक्कर की जो विकेट उठाई है ना दरमियान वाली किल्ली के ऊपर टक करके, वो जो मजा करवाया ना उसने, यकीन करें चस करवा दी उसने, बता दी मैं T20 वर्ल्ड कप खेलने आया हूं। T20 वर्ल्ड कप में मैं बताऊंगा कि हार्दिक पांड्या जो है वो इस बला का नाम है या वो T20 वर्ल्ड कप में बताएगा। अब बुमराह को देखे, कभी आपने देखा हो कि बुमराह ने पुराने बॉल से मतलब मिडिल के अंदर ओवर कराया हो? नहीं कराया कभी भी, लेकिन आज उसने मिडिल के अंदर ओवर कराए। 3 ओवर के अंदर 6 मतलब रन दिए, 2 विकेटें भी ले गया, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले गया यार। आयरलैंड की टीम थी जो पाकिस्तान को जो है 194 लगा रही थी, 184 लगा रही थी, 173 लगा रही थी, और आज जो है इंडिया के सामने सिर्फ और सिर्फ 96 रन पर आउट हो गई। 7 से 8 खिलाड़ी तो 50 के करीब ही आउट हो गए। बाकी की टीम डरी ना डरी हो ना हो, लेकिन हमारी पाकिस्तानी टीम जरूर वहां पे सर जोड़ के बैठ गई होगी कि लो ये इन्होंने क्या करवा दिया आज इंडिया ने, इंडिया ने क्या करवा दिया आज आयरलैंड के खिलाफ। इन्होंने तो भाई उनको उठने ही नहीं दिया, उनको समझ नहीं दिया आयरलैंड को, हालांकि आयरलैंड वो टीम है जिसने पाकिस्तान को हराया हुआ है। विराट कोहली ने कहा कि मैं आयरलैंड के खिलाफ डक पे आउट हो जाऊंगा, मैं 50 करूंगा तो पाकिस्तान के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है, क्योंकि उसके क्रेडिट पे है कि वो बड़ी टीमों के खिलाफ स्कोर करता है, ठीक है। आज उसने मेरे ख्याल 2 स्कोर किया और वो चला गया, ठीक है। रोहित शर्मा ने कैप्टन इनिंग खेली, पाकिस्तान को कोई मौजजा ही बचा सकता है इंडिया से। बाकी जिस तरह से इंडिया की परफॉर्मेंस चल रही है तो पाकिस्तान का कोई चांस मुझे नजर नहीं आ रहा कि 9 जून को जो है पाकिस्तान इंडिया से जीत सकता है। आयरलैंड के खिलाफ 200 रन खा जाते थे, अगर इंडिया की पहले बैटिंग आ गई तो 250-300 रन इंडिया ने हमें लगा देने। शामी ने ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर की थी ना, हार्दिक पांड्या जो है वो T20 वर्ल्ड कप के अंदर करेगा। अभी तो आप देखें मतलब ये तो छोटी टीमें थी जो बांग्लादेश थी, आयरलैंड थी। आप 9 जून को देखें, 9 जून को ये क्या करने वाला है। सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेलता है, इंडिया को दूसरा विराट कोहली मिला हुआ जो हमसे आउट ही नहीं होता। वालेकुम अस्सलाम सर, बात कीजिए। T20 वर्ल्ड कप तो स्टार्ट हो गया, लेकिन इंडिया ने जैसा अपने T20 वर्ल्ड कप के अंदर स्टार्ट लिया, जो उन्होंने विकेटें उड़ाई है आयरलैंड की, पाकिस्तान को आयरलैंड 200 पे आउट कर रही थी, लेकिन इंडिया ने आयरलैंड को 95 पे आउट करके बता दिया है कि नंबर 1 बॉलिंग किसके पास है। क्या कहेंगे इंडिया की बॉलिंग लाइन के बारे में आप? यार जिस तरह की आज इंडिया ने बॉलिंग करवा दी, यकीन करें हारी वहां पे आयरलैंड है, टांगे हमारी यहां पे काम रही कि 9 जून को हमारा क्या बनेगा। जिस तरह की आज उन्होंने अनबिलीवेबल बॉलिंग करवाई, हार्दिक पांड्या भाई होए आईपीएल के अंदर उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, और T20 वर्ल्ड कप में उसने भाई क्या करे, इतनी बॉल स्विंग यार, इतनी बॉल स्विंग, और भाई टक्कर को जो उसने आउट किया, और मैं कह सकता हूँ कि यार वो बॉल ऑफ द सेंचुरी है। इसी तरह इसने बाबर आजम को भी आउट किया था, लोगों ने कहा था कि यार शायद तुक्का लग गया इसका, कोई पिच टूटी हुई थी, लेकिन नहीं भाई, उसने दोबारा बॉल करवाई है और यकीन करें 3 विकेटें, 3 में से सिर्फ दरमियान वाली विकेट के ऊपर टक करके लगी है ना जो बॉल, ओहो बाकी विकेट नहीं ली, लेकिन दरमियान वाली उसने जो टका की ना मजा आ गया। अभी तो विराट कोहली ने अपनी की है, वो सारे सरप्राइज हो गए थे, कोहली आ गया। मतलब कोहली आ गया, वो यही सोच रहे थे कि भाई हमने इसको आउट कैसे करना है, किसकी विकेट लेंगे हम, लेकिन विराट कोहली ने कहा नहीं भाई मैं 50 जो है वो आयरलैंड के खिलाफ नहीं करूंगा। वजह यह कि मेरे करियर के ऊपर एक लग जाएगा, यार ये तो वो बंदा है जिसने आयरलैंड को 50 की थी। कोई ऐसे यूट्यूबर खड़ा होकर बात कर देगा विराट कोहली को डिसरिस्पेक्ट करते हुए, ठीक है, लेकिन विराट कोहली ने मौका ही नहीं दिया। विराट कोहली ने कहा कि मैं आयरलैंड के खिलाफ डक पे आउट हो जाऊंगा, मैं 50 करूंगा तो पाकिस्तान के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है, क्योंकि उसके क्रेडिट पे है कि वो बड़ी टीमों के खिलाफ स्कोर करता है, ठीक है। आज उसने मेरे ख्याल 2 स्कोर किया और वो चला गया, ठीक है। रोहित शर्मा ने कैप्टन इनिंग खेली, क्योंकि जरूरत थी, उसके ऊपर जिम्मेदारी थी, ठीक है। कोहली ने कहा होगा ठीक है भाई तुमने मुझे ले तो आए हो, लेकिन मेरा मूड नहीं है इनके खिलाफ खेलने का, ठीक है, मैं बड़े मैच का प्लेयर हूँ, मैंने बड़े मैच में ही खेलना है। इंडिया की हमें आज बॉलिंग लाइन देखने को मिली, स्पेशली हार्दिक पांड्या जिन्होंने 3 विकेटें ली, बुमराह जिन्होंने 2 विकेटें ली, उसके बाद अर्शदीप सिंह उन्होंने 2 विकेटें ली। क्या कहेंगे इंडिया आज की बॉलिंग लाइन जो डोमिनेट कर रही थी आयरलैंड को? सर सबसे पहले तो हार्दिक पांड्या की तारीफ करनी होगी कि आईपीएल के अंदर उसको जिस तरह से ट्रोल किया गया, उस माइंड सेट से वो निकल कर जब उसने इंडिया की शर्ट पहनी है तो वो सब कुछ भूल गया कि मेरे साथ आईपीएल के अंदर क्या हुआ है। पहले बांग्लादेश के खिलाफ हमने देखा उसने लगातार 3 छक्के लगाए, और आज के मैच के अंदर जिस तरह की उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, 3 खिलाड़ियों को आउट किया और सिर्फ 27 रन दिए हैं, तो उसने बड़े बड़े बॉलर्स को जो है पीछे छोड़ दिया। जिस तरह की आउटस्टैंडिंग आज उसने स्विंग करवाई है तो उसने बता दिया कि क्यों इंडिया जो है हार्दिक पांड्या के नखरे और नाज उठाता है, क्योंकि उनको पता है हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर इंडिया के पास मौजूद नहीं है, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, हार्दिक पांड्या जो है वो इंडिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है। बाकी अब बुमराह की तो मतलब उसने आज अपना जोर ही नहीं लगाया, फिर भी उसके 3 ओवर के अंदर 6 रन देकर 2 खिलाड़ी वो भी आउट कर दिया। और अर्शदीप सिंह की भी तारीफ करनी होगी, जिस तरह उसने पहले ही ओवर के अंदर जो है 2 खिलाड़ियों को उड़ा के रख दिया, तो ओवरऑल इंडिया ने साबित कर दिया उनकी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों जो है नंबर 1 है। उसके बाद जो भाई बुमराह, यार बुमराह समझ से बाहर है कि यार कैसे इससे बॉलिंग करवा लेते हैं, 3 ओवर करवाए 6 स्कोर दिया और 1 विकेट उड़ा के ले गया। अर्शदीप सिंह भी भाई कहां से उठ के आ गए, ये बंदा भाई 2 विकेट उड़ा के ले गया इकट्ठी वो भी, और भाई उसने जैसे यार बॉलिंग किया ना कुलदीप यादव ने, मैं कहता हूं इंडिया की एक एक बॉलर की मैं क्या, सारे बॉलर जो है वो डोमिनेट रहे हैं।
आयरलैंड के ऊपर एक भी ऐसा बॉलर नहीं था कि भाई जिसने आयरलैंड के ऊपर गुस्सा ना उतारा हो या आयरलैंड की वक्कियां ना उसने तोड़ी हो। भाई यकीन करें आज मज़ा आ गया मैच देखने का। यही T20 वर्ल्ड कप में ऐसे मैचेस देखने का मज़ा आता हो, ये सिर्फ T20 इंडिया करवाती है मज़ा। और इंडिया के कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि यार वो जीतते जा रहे हैं। हम एशिया कप से अभी तक हारते हुए आ रहे हैं। कल हमारा USA के साथ है, कोई पता नहीं हमें कि कौन जीतेगा हारेगा क्या बनेगा। इंडिया का मैच होता है हम पता होता है कि इंडिया कन्फर्म जीत जाएगी। जैसे कि इंडियन टीम ने आज यानी कि बैटिंग लाइन देखने को मिली, रोहित शर्मा ने 52 किया, विराट कोहली आज जल्दी आउट हो गया, उसके बाद ऋषभ पंत ने साथ दिया, क्या कहेंगे ऐसी बैटिंग लाइन के बारे में और रोहित शर्मा ने जो परफॉर्म किया इसके बारे में? यार देखें, रोहित शर्मा ने जो बॉलिंग के ऊपर अपनी जो लीडरशिप चलाई है ना भाई, नो डाउट एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल अनबिलीवेबल। लेकिन जो आज विराट कोहली को ओपनिंग भेजी है, मैं समझता हूँ कि विराट कोहली अगर चेस मास्टर उसका नाम दिया हुआ तो वो समझना चाहिए था उसको कि भाई ओपनिंग में वो नहीं कर सकता या वो नहीं चल सकता। वो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, वो हमेशा आपको चेस मास्टर चेजिंग में जो है वो जितवा के जाता है, उसको ओपनिंग में लेके आने की क्या जरूरत थी आपको। ये रोहित शर्मा ने एक थोड़ी आज मिस्टेक की, मैं समझता हूँ कि अगले मैच में कहीं फिर ये मिस्टेक ना कर दे। और जिस तरह उनकी पहले थी रोहित शर्मा और जायसवाल, वो उनकी भाई कॉम्बिनेशन बहुत आउटस्टैंडिंग है, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। आज देख लें वो उसको ओपनिंग लेके आए, वो विराट कोहली नहीं चल पाया। विराट कोहली को भी पता है कि भाई मैं मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन हूँ, मैं हमेशा आपको मुश्किल से निकालने वाला बैट्समैन हूँ, और आज उन्होंने ओपनिंग करवा दी। बहरहाल खैर, आज जो रोहित शर्मा ने इनिंग खेली, नो डाउट अनबिलीवेबल अनस्टॉपेबल, जबरदस्त 52 स्कोर किया, रिटायर होकर चले गए। उसके बाद बाकी ने 96 रन कौन सा मुश्किल था यार इंडिया के लिए, 10-12 ओवरों के अंदर चेज करके आराम से छुट्टी करके इंग्लैंड को हरा के चलो जी बाय बाय। हमें यकीन था कि इंडिया इसी तरह का धमाकेदार स्टार्ट लेगा, लेकिन इतना डोमिनेट करके रख देगा आयरलैंड को, बिल्कुल ही आउट क्लास करके रख देगा, ये हमने नहीं सोचा था। ठीक है, क्योंकि हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे और आयरलैंड भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम वही टीम है भाई जो पाकिस्तान जैसे बॉलिंग लाइनअप को हमने 200 मारा हुआ है। ठीक है, लेकिन भाई इंडिया ने बताया कि नहीं, वो पाकिस्तान को मारा होगा, बच्चे हो तुम लोग अभी। ठीक है, मतलब तैयारी करके आए फर्स्ट ओवर के अंदर बुमराह की। ठीक है, मतलब उनके ओपनर बुमराह को फेस करने आए, लेकिन अर्शदीप आया। ठीक है, अर्शदीप ने भी डिसअपॉइंट नहीं किया। ठीक है, उसने भी 3 विकेट लेके दिखाई कि अगर बुमराह नहीं है तो आपका भाई खड़ा है। ठीक है, अब बुमराह को देखे, कभी आपने देखा हो कि बुमराह ने पुराने बॉल से मतलब मिडिल के अंदर ओवर कराया हो? नहीं कराया कभी भी, लेकिन आज उसने मिडिल के अंदर ओवर कराए, 3 ओवर के अंदर 6 मतलब रन दिए, 2 विकेट भी ले गया, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले गया यार, और क्या चाहिए। मतलब बुमराह ओपन करेगा तब भी मैन ऑफ द मैच उसी का है। ठीक है, मिडिल के अंदर आता है तब भी मैन ऑफ द मैच उसी का है। भाई अगर बुमराह को ही देना है सब कुछ, ठीक है, तो फिर बुमराह को आप इस तरह करो बैटिंग में भी ओपन करा दो। बैटिंग में ओपन की बात कर ले, आज जिस तरह विराट कोहली से ओपन करा दिया। ठीक है सर, बिल्कुल इसी तरह इंडिया ने आज बता दिया कि पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट के दरमियान इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, इंडिया क्यों हारते और इंडिया क्यों जीतते और पाकिस्तान जो है वो क्यों हारते। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि इंडिया जो है जिस टीम के खिलाफ आता है तो उसको जो है तहस नहस करके रख देते। आज आपने देखा यही आयरलैंड की टीम थी जो पाकिस्तान को जो है 194 लगा रही थी, 184 लगा रही थी, 173 लगा रही थी, और आज जो है इंडिया के सामने सिर्फ और सिर्फ 96 रन पर आउट हो गई। 7 से 8 खिलाड़ी तो 50 के करीब ही आउट हो गए थे, बाकी 2 खिलाड़ी ले गए, नहीं तो इंडिया ने जो है 50 से 60 रन पर आयरलैंड को बुक करके रख देना था। इंडिया ने जिस तरह से आज अपना पहला मैच, जिस तरह से अपने वर्ल्ड कप की कंपेन का आगाज़ किया है, तो उन्होंने बता दिया है कि उनके पास बैटिंग तो पहले ही नंबर 1 थी, अब जो है उनकी बॉलिंग भी नंबर 1 बन चुकी है और उनको जो है इस मरतबा ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने से कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया तो T20 वर्ल्ड कप के अंदर है, सब टीमें जितनी भी T20 है वर्ल्ड कप के अंदर है, अलार्मिंग सिचुएशन बन गया कि जैसे इसने इंडिया ने आयरलैंड का पट्टे चुकाया। जाहिर बात है जिस तरह उन्होंने आज परफॉर्म किया, जिस तरह उन्होंने आज बॉलिंग करवाई है, बाकी की टीम डरी हो ना हो लेकिन हमारी पाकिस्तानी टीम जरूर वहाँ पे सड़ जोड़ के बैठ गई होगी कि लो ये इन्होंने क्या करवा दिया आज इंडिया ने क्या करवा दिया आज आयरलैंड के खिलाफ। इन्होंने तो भाई उनको उठने नहीं दिया, उनको समझ नहीं दिया आयरलैंड को, हालांकि आयरलैंड वो टीम है जिसने पाकिस्तान को हराया हुआ है और इंडिया ने उसका सत्यानाश करके रख दिया। 96 पूरी टीम आउट करके आयरलैंड पाकिस्तान के खिलाफ खेलती थी, 150 गम स्कोर नहीं करती थी, और आज देख लो उन्होंने क्या किया। अभी तो रोहित शर्मा ने ये शुक्र किया कि उसने बैटिंग का जो है वो पहले बॉलिंग करवा ली है कि जी बच्चे खेल लें जरा, बारी सबको मिल जानी चाहिए, और अगर ये करता मुझे लगता है 200-250 स्कोर रोहित शर्मा ने जो है वो आराम से मार देना था, जिस तरह इनकी जो है वो जा रही थी बैटिंग लाइन एवरेज पर जा रही जबरदस्त। हार्दिक पांड्या ने जो टक्कर की जो विकेट उड़ाई है ना दरमियान वाली किल्ली के ऊपर टक करके, वो जो मजा करवाया ना उसने, यकीन करें चस करवा दी उसने, बता दी मैं T20 वर्ल्ड कप खेलने आया हूँ, IPL की यादें मैं पीछे छोड़ आया हूँ, T20 वर्ल्ड कप में मैं बताऊंगा कि भाई हार्दिक पांड्या जो है वो जब ब्लू जर्सी में होता है तो वो कैसा खतरनाक बॉलर होता है। किस बला का नाम है यह वो T20 वर्ल्ड कप में बताए। जैसे कि इंडिया की बॉलिंग लाइन की बात करते हैं जो चली है, स्पेशली हम बात करेंगे हार्दिक पांड्या की। वो पांड्या आए हैं आगे छा गए, वो यार उसने 3 विकेट ली है और सबसे ज्यादा तबाह करने वाला मुझे नजर है वो पांड्या था। आप किसके बारे में क्या है? वाकई पांड्या ने आज तबाहकुन बॉलिंग की है। ठीक है, लेकिन
इंडिया को अप्रिशिएट करना इस वजह से भी बनता है कि जितना उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ है, ठीक है, आप उस बंदे को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते अब, ठीक है। वजह क्या है, उसने कहा मैंने अब इंडिया की वर्दी पहन ली है, ठीक है, ये MI की वर्दी नहीं है कि आप मुझे बात करेंगे, ठीक है, अब मैं इंडिया की वर्दी पहन के खेल रहा हूँ, मैं इसी तरह तबाहकुन बॉलिंग करूंगा, इसी तरह खिलाऊंगा, ठीक है। वो किसी भी तरह से आके वर्ल्ड कप के अंदर खेले, आप उसको अप्रिशिएट करेंगे कि जहाँ से तुम गुजर के आए हो, जितनी तुम्हें क्रिटिसिज्म किया गया है, तुम्हारा थैंक यू कि तुम वर्ल्ड कप खेल रहे हो, लेकिन भाई वो तो परफॉर्मेंस के कहता जो कुछ गुजर गया वो गुजर गया, ठीक है। आज की बात करो, मतलब आप देखे उसने बांग्लादेश को मतलब बेड़ा गर्क करके रख दिया उनका, ठीक, 3 छक्के जो लगाए उसने, ठीक है, उसके बाद आज देखे 3 विकेटे लेके गया, ठीक है। लोग तो बात कर रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह ने अच्छा ओवर किया, मैं फिर भी अप्रिशिएट हार्दिक पांड्या को करूंगा, ठीक है। वजह क्या है यार, उसकी स्ट्रगल जो है ना इन पिछले दिनों में 2024 उसका अच्छा नहीं रहा, लेकिन वर्ल्ड कप का जैसे उसने स्टार्ट किया, उसने कहा मैं ग्राउंड के अंदर हूं, जिस तरह शामी ने ODI वर्ल्ड कप के अंदर की थी ना, हार्दिक पांड्या जो है वो T20 वर्ल्ड कप के अंदर करेगा। अभी तो आप देखें, मतलब ये तो छोटी टीमें थी जो बांग्लादेश थी, आयरलैंड थी, आप 9 जून को देखें, 9 जून को ये क्या करने वाला है। पाकिस्तान खिलाफ बहुत अच्छा खेलता है, इंडिया को दूसरा विराट कोहली मिला हुआ जो हमसे आउट ही नहीं होता, ठीक। जैसे कि इंडियन टीम डोमिनेट कर रही है T20 वर्ल्ड कप के अंदर, क्या लगता है पाकिस्तान अगर इंडिया को फेस करती है ऐसी बॉलिंग के साथ, क्या सिचुएशन होनी थी? यार अब तो वाकई बहुत ज्यादा डर लगने लग गया कि पाकिस्तान का क्या हाल करेंगे। हम तो आयरलैंड के खिलाफ 200 रन खा जाते थे, अगर इंडिया की पहले बैटिंग आ गई तो 250-300 रन इंडिया ने हमें लगा देने, और अगर बॉलिंग जिस तरह से इंडिया की तबाहकुन बॉलिंग अभी चल रही है तो पाकिस्तान तो मेरे ख्याल में 100 से 150 रन पर ही मुझे ढेर होता दिखाई देता है, तो पाकिस्तान को कोई मौजा ही बचा सकता है इंडिया से। बाकी जिस तरह से इंडिया की परफॉर्मेंस चल रही है तो पाकिस्तान का कोई चांस मुझे नजर नहीं आ रहा कि 9 जून को जो है पाकिस्तान इंडिया से जीत सकता है।